हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे डेलीली का ऐसा प्लांट शेयर करेंगे जो लगभग मर चुका था, लेकिन उसको हमने कैसे ठीक किया ये आज हम आपसे शेयर करेंगे, जिससे आगे आपको कभी प्रॉब्लम आती है डेलीली प्लांट में तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास येलो डेलीली है, जो कि काफ़ी बड़ा प्लांट है। इसका उसमें मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ये काफ़ी सारे प्लांट्स बन गए हैं, लेकिन उसको हमने अलग नहीं किया है। 12 इंचेस के पॉट में लगा हुआ है, इसीलिए एक साथ ढेर सारे फ्लावर्स हमें मिल जाते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें वाटर होता है, जैसे आपने स्पाइडर प्लांट्स की रूट्स देखी होंगी, बिल्कुल ऐसे ही। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट मरने लगता है, इसीलिए वाटरिंग का ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ इसकी रूट्स थी हमारे पास, इनको रूट से ही ग्रो किया जाता है, लेकिन वो हमने ऑनलाइन ली थी और ओवर वाटरिंग की वजह से ये कुछ प्लांट्स ख़राब हो गए थे। तो उसमें से एक ही ये प्लांट बच पाया था, तो हमें इसको बचाना ज़रूर था, क्योंकि ये नया कलर है और हमारे पास अभी तक येलो कलर है एक और कलर है, अभी उस पर फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो ये थर्ड कलर जो था ये नया है, इसीलिए इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो एक जूही का प्लांट हमने आपसे शेयर किया था, उसी के पॉट में हमने इसको ऐसे ही लगा दिया। अब हमें इसकी वाटरिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना था, क्योंकि अगर ये भी ख़त्म हो जाता तो हमारे पास ये जो नया कलर था वो ख़त्म हो जाता, इसीलिए कम से कम एक प्लांट बचाना बहुत ज़रूरी था। तो 18 जुलाई को इसमें न्यू ग्रोथ दिखाई दी, हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे ये बारिश में भी रहता है पॉट, लेकिन बारिश में अगर प्लांट्स रहते हैं और वेल ड्रेन सॉइल है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, तो प्लांट्स पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 30 जुलाई को इसमें न्यू ग्रोथ हमें दिखाई दी, अच्छे से ये बन चुका था। तो फिर सोचा कि इसको एक नया पॉट दे देते हैं अब, क्योंकि अब प्लांट ठीक हो चुका है और रूट्स भी इसकी ठीक हो गई होंगी, और अब इसको ओवर वाटरिंग से हमें बचाना ज़रूरी था। तो अगर कभी भी डेलीली का प्लांट आपको गलता हुआ दिखाई दे रहा है, रूट रॉट हो रहा है अगर उसमें, तो उसको आप तुरंत पॉट से निकालिए और कहीं सूखी सॉइल में उसको लगाइए। मिट्टी तैयार करके नॉर्मल सॉइल में आप थोड़ा सा 2-4 मुट्ठी उसमें काउडंग या जो भी वर्मी कंपोस्ट आपके पास है वो मिलाकर भी आप लगा देते हैं तो भी। बस सॉइल को आपको सूखा रखना है, बहुत ज़्यादा नमी नहीं रखनी है, क्योंकि वो पहले ही इतना गल चुका है, उसमें पानी भर चुका है कि अगर उसे ओवर मॉइस्चर मिलेगा तो वो फिर से गलने लगेगा। तो इसको हमने पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, और ये जो पॉट था इसकी वेल ड्रेन सॉइल थी, तो ज़्यादा प्लांट बेकार भी नहीं हुआ, और अब आप रिजल्ट देख ही सकते हैं। तो कभी भी डेलीली आपको गलता हुआ दिखाई दे यानी ओवर वाटरिंग हो जाए, उसको तुरंत बाहर निकालिए, उसको नया मिट्टी दीजिए, नया सॉइल मिक्सचर दीजिए, और फिर से प्लांट आपका ठीक हो जाएगा। आप उसको 1 या 2 दिन खुले में भी रख सकते हैं, जिससे जो उसका ओवर मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और सूख जाए थोड़ा वो, और फिर आप उसको मिट्टी में दोबारा से लगा सकते हैं। तो फिर हमने इसको एक छोटा सा पॉट दिया, क्योंकि अभी प्लांट भी छोटा है और ये अभी फ़िलहाल इसी में ही अच्छे से ग्रोथ कर लेगा। तो आज 5 सितंबर है और आप देख सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब हम इसे आगे बड़ा पॉट देंगे, और उसमें भी सॉइल मिक्सचर कोई स्पेशल नहीं बनाना होता इसके लिए। 60% सॉइल ले लेते हैं, 40% गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, आप कुछ भी ले सकते हैं, वही सॉइल मिक्सचर में हम इसको दोबारा से लगा देंगे, बस पॉट साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट मार्च आएगा उसमें फ्लावर्स दे पाता है या नहीं। जब तक कॉर्म्स हेल्दी नहीं होते हैं, प्लांट हेल्दी नहीं होता है, तब तक डेलीली पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो डेलीली पर और भी वीडियोस हमने शेयर की हुई हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और रिलेटेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।